हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन एक्चुअल में होता क्या है। मेडिटेशन का नाम हम सबने सुना होगा, पर एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि मेडिटेशन होता क्या है। पर जो एक्चुअल मीनिंग है मेडिटेशन का, वो काफ़ी डीप है और वो काफ़ी, अगर आप उसको सीखें और अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाएँ तो काफ़ी लाइफ चेंजिंग सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो सबसे पहले मेडिटेशन को आपको समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा। जो मेडिटेशन का असल मतलब है वो है खुद को जानना। इस दुनिया की आवाज़ में हम खुद को खो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम कौन हैं। हम इतना फॉलो करते हैं लोगों को, इतना कॉपी करते हैं, इतना इमिटेट करते हैं, हम इसमें यही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं। हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है हम उससे ही दूर हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हम कॉपी करते हैं, हम इमिटेट करते हैं, हम किसी को फॉलो करते हैं और हम सोचते हैं कि सक्सेस पाने का यही तरीका है, जो दूसरे के लिए सक्सेस है वही हमारे लिए सक्सेस होगी। तो मेडिटेशन एक अवेयरनेस है जो आपको खुद से मिलाती है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप असल में बने किस लिए हो। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है मेडिटेशन का, वो यही है कि आपकी जो यूनिकनेस है वही आपकी पावर बन जाती है। अभी हम यूनिकनेस को ऐसे देखते हैं कि कोई हम डिफरेंट हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बट एक्चुअल जो असलियत है, जो रियलिटी है, वो इससे अपोजिट है। जो हमारी यूनिकनेस है वही हमारा गिफ्ट है और हम उसको एज अ यू नो ऐसे देखते हैं जैसे कि वो हमारे लिए कोई बेकार चीज़ है। हमें फिट होने की आदत है कि हम सबके साथ फिट होके चलें। तो मेडिटेशन जो है वो हमें इस पैटर्न से अवेयर कराता है कि आप ऐसी जगह पर फिट होना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको फिट दरअसल होना ही नहीं है। तो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान है, पहले हम बाद में आएंगे उसके, पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन होता क्या है। तो मेडिटेशन जो है उसका बेसिक जो मोटो है वो ये है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो अवेयरनेस है आपकी उसको आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, उसको प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, उसका मेन कारण ये होता है कि हम आज में नहीं जिरे होते हैं। हम या तो कल की चिंता में जिरे होते हैं या जो पास में जो हुआ है उसके हम रिग्रेट और गिल्ट को कैरी ऑन कर रहे होते हैं, जिससे हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, इतना ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो कि सिर्फ हमारे थॉट्स होते हैं। एक्चुअल में हमें कुछ नहीं, हमारा प्रेजेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है, आसपास सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन हमारे माइंड में हम ऐसी कहानियाँ बना देते हैं जिससे हम सफ़र करते हैं। फालतू की सफरिंग हम कर रहे होते हैं, मतलब पास्ट मिस्टेक्स के कारण हम प्रेजेंट में सफ़र कर रहे हैं। तो मेडिटेशन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है, आपका जो पूरा फोकस है, वो प्रेजेंट मोमेंट में लाना। और जब आपका पूरा फोकस जब आप प्रेजेंट मोमेंट में डाल देते हो तो आप कंप्लीट अवेयरनेस जो है आपकी, आपका जो पूरा फोकस है, जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में आएगा आपके दिमाग में कोई स्पेस ही नहीं रहेगी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की, कोई जगह नहीं बचेगी स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए, आप एकदम ब्लिस की स्टेट पर आ जाओगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहे कैसे, तो सबसे मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना उनका अर्थ मतलब क्या है। लोग समझते हैं प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है कि स्ट्रेस फ्री हो जाओ बस और कुछ मत करो, जो चल रहा है उसको बस रेस्ट करो। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब यह है कि जो कर रहे हो आप सिर्फ वही कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप सिर्फ टीवी देख रहे हो, आप जो कर रहे हो आप सिर्फ वही कर रहे हो, आपके दिमाग में और कुछ ना चले। अभी होता ऐसा है कि हम पढ़ने बैठते हैं दिमाग में 10 चीज़ें चलने लगती हैं जो हमें पढ़ाई से दूर ले जाती हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान देना और कोई भी चीज़ हो, नॉट नेसेसरीली पढ़ाई, तो हमें फोकस करना आना चाहिए। ये जो है मेडिटेशन फोकस करने की आर्ट है, कला है ये एक, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट है कि हमारे फ्यूचर की टेंशन इतनी ज़्यादा है, पास्ट में जितना कुछ हुआ है वो पूरा कचरा हमारे दिमाग में घूम रहा है, तो कैसे रहें प्रेजेंट में। तो उसके लिए मेडिटेशन आपको करना चाहिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है। बाकी हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है इसके, इम्यून सिस्टम और फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, एनजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, काफ़ी चीज़ें हैं। तो हेल्थ वाइज तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी आप गूगल करेंगे तो, पर मैं आपको इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बताने वाला हूँ। मेडिटेशन एक आध्यात्मिक चीज़ भी है,
पर यह सिर्फ वो नहीं है। मेडिटेशन आप जो हो आपको वो बना देता है, आपका जो रियल सेल्फ है उससे कनेक्ट करवा देता है, जो आपकी इनर वॉइस है उससे जोड़ देता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है इनर वॉइस क्या होती है। हम ये समझते हैं कि हम ये सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है, पर इस फिजिकल बॉडी के बाद भी हम सबको पता है वो जिसे सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो मरती नहीं है, जो हमारे अंदर का जो अमर, जो इनफाइनाइट है, जो हमारे अंदर है उससे जोड़ती है। तो आपको इससे डरना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करते हैं तो बुड्ढे लोग करते हैं, और हम तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इन सब चीज़ों से जो मटेरियल थिंग्स हैं उन सब में हमारा डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा और हम सिर्फ मेडिटेशन करते रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप इन सब चीज़ों को और इन्जॉय कर पाओगे, आप इन सब चीज़ों में और घुल जाओगे, क्योंकि आपको लाइफ का मतलब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सोल क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। स्पिरिचुअलिटी मतलब जो जिस पावर ने आपको बनाया है, जिस पावर से पूरा यूनिवर्स वर्क कर रहा है, वो समझना कि वो पावर आपके अंदर ही है। और थोड़ा और डीपर लेवल पे जाएं तो ये समझना कि वो पावर आप ही हो। जो तत्वमसी बोलते हैं, उपनिषद में लिखा हुआ है तत्वमसी, मतलब कि पूरा यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपके अंदर ही है। तो ये रियलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। फिर आप अपने आप को कभी छोटा नहीं समझोगे। आपको पता है कि आप एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो जो एक पर्सन को एक्सपीरियंस कर रहा है, ना कि एक पर्सन जो ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो पूरा देखिए आप पूरा शिफ्ट हो गए, जो परसेप्शन है वो पूरा शिफ्ट हो गया। तो फिर आप अपने आप को कैसे एक छोटा, एक लिमिटेड इंसान समझ सकते हो जो उसकी परेशानियों में है। और परेशानियाँ भी कितनी छोटी छोटी हैं, ओवर थिंकिंग, जॉब की परेशानी, कुछ नहीं है। अगर आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अंदर से अगर खींच के बाहर निकाल दो तो कोई भी चीज़ आपके लिए फिर छोटी नहीं है। तो आपको पहले खुद को जानना होगा, इसलिए इसमें बोलते हैं, मेडिटेशन में अक्सर बोला जाता है डिस्कवर योर सेल्फ। सेल्फ कुछ नहीं, सेल्फ सोल, सोल का दूसरा नाम सेल्फ, अंदर जो आपका इनर सेल्फ बैठा हुआ है, हायर सेल्फ बोल दीजिए, सोल बोल दीजिए, आप जो जिसको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो आपके अंदर ही है। आपको उसमें टैपिंग करना है और वही आपकी लिमिटलेस पावर है। तो इससे एक और आपको जो चीज़ मिलती है मेडिटेशन से, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन की पावर बहुत पावरफुल है। इंट्यूशन से आपको कई सारी चीज़ें, इंसाइट्स मिलते हैं, आपको एक इनर वॉइस मिलती है कि कहीं पे भी आप अगर फंसे हो, कोई प्रॉब्लम में हो, तो आपको एक अंदर से आवाज़ आती है और आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपको करना क्या है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि उनको एक्साइट क्या करता है, उनको करना क्या है, आगे क्या करना है, डिसीजंस नहीं ले पाते, चॉइसेस नहीं ले पाते। उसका मेन रीज़न ये है कि वो खुद से कनेक्टेड ही नहीं है। उनको 10 लोगों से पूछना पड़ता है, उसके बाद भी उनको नहीं पता होता कि उनको करना क्या है। तो डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्यूशन से कनेक्ट हो, डिसीजन भी, और आप कहीं पे हैं और आपको एक अनयूजुअल सी फीलिंग आई, आपको पता चल जाता है कि ये जगह, यहाँ मेरे को रुकना चाहिए या मेरे को जाना चाहिए, यू नो, कि ये जगह मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, ये लोग मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं, आपको एक अंदर से जवाब आ जाएगा। क्योंकि जो सोल है वो एनर्जी इंटरप्रेट करता है, वाइब्रेशन इंटरप्रेट करता है। ये सब जो आप यूनिवर्स देख रहे हैं, जो आपका मैटर समझते हैं, मटेरियल वर्ल्ड, ये सब एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर आप इन टर्म्स में सोचोगे यूनिवर्स को, एनर्जी फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में, वाइब्रेशन के टर्म्स में, तो आपको समझ आएगा कि ये सब वाइब्स हैं। आप वाइब्स इंटरप्रेट करोगे, फिर आप लोगों को नहीं देखोगे, आप उनकी वाइब्स को देखोगे। आप उन लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहोगे जिनकी वाइब्स अच्छी हैं। दिखने में तो सब अच्छे होते हैं, पर अंदर से कौन अच्छा है वो कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए आपको वाइब्स पर ध्यान देना होगा। आपको ऑरा के बारे में समझना होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बंदा, ये उसकी एनर्जी से पता चल जाता है। तो मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। मेडिटेशन माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, विपासना होता है, ईशा मेडिटेशन होता है सतगुरु का, बहुत सारे टाइप्स के मेडिटेशन है। जो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है और जो वेस्ट में अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन नॉर्मली
आपके माइंड के लिए होता है, फोकस बनाने के लिए और आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए होता है, तो इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपको आपकी ब्रेथ पे फोकस करना होता है और आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं, बहुत ही डीप ब्रेथ्स, और आप ब्रेथ पे फोकस करें और जैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स आए आप उनको ऑब्जर्व करें। अब होता क्या है कि जब हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं और जब हम ब्रेथ्स ले रहे होते हैं तो हमारा फोकस क्या है, अपने आप थॉट्स पे जाता है, क्योंकि हम ऐसा कभी यूजुअली करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे, तो सबसे पहले तो आप जब बैठे उससे पहले एक इंटेंशन सेट करें कि मैं सिर्फ 2 मिनट करूँगा, लेकिन करूँगा रोज। सबसे बड़ी मेडिटेशन की जो पावर है वो है कंसिस्टेंसी। आपके अंदर जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी आप मेडिटेशन मास्टर नहीं कर सकते। आपको रोज करना होगा, भले ही आप 2 मिनट करें, लेकिन आप जब रोज करेंगे तो आप उसकी पावर को समझेंगे। तो आप गहरी सांसें लीजिए और जैसे जैसे आप लेंगे सांसें थॉट्स आएंगे, आप देखिए कि क्या थॉट आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है, थॉट को डीअटैच होके दूर से देखना है। और जब आप थॉट को देखोगे तो एक एक करके थॉट आएंगे जाएंगे, और आपका उस टाइम जैसे ही आपको याद आए कि यार मैं थॉट में आ गया, मैं तो ब्रेथ पर फोकस करना था, आप वापस आइए ब्रेथ पर, आप वापस लाते जाइए, वापस थॉट्स आएंगे, वापस ब्रेथ पर आओ, फोकस लाओ, ब्रेथ पर फोकस लाओ। तो हर बार जब आप ब्रेथ पर फोकस ला रहे हो तो आपका जो माइंड का मसल है, जो अवेयरनेस का मसल है, वो स्ट्रांग हो रहा है। मेडिटेशन का मेन पर्पस यही है, आपके जो मसल है, आपका जो माइंड का मसल है, अवेयरनेस का मसल है, फोकस का मसल है, उसको स्ट्रांग बनाना। तो मेडिटेशन करिए, और बहुत सिंपल है, आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले कर सकते हैं, 2 मिनट कीजिए, बस बैठिए, गहरी गहरी सांसें लेनी है आपको, ऑब्जर्व करना है अपने माइंड, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, अवेयर होना है खुद के इनर वर्ल्ड पे, अपने इनर वर्ल्ड से अवेयर होना है। लोगों को पता ही नहीं है उनके अंदर क्या चल रहा है, रात में बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ भी पता ही नहीं है क्यों बड़बड़ा रहे हैं, खुद को जानना है आपको। जब आप जानेंगे ना कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है तो आप उससे अवेयर होंगे, उसके बाद आप अवॉइड करेंगे वैसे चीज़ें सोचना, फिर आपको पता होगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर आपको पता ही नहीं आपकी सोच क्या है तो आप उसको बदलोगे कैसे? तो आपको अवेयर होना है पहले कि आप सोचते क्या हो, आप मानते क्या हो, और उसके बाद आपको उससे स्विच करना है कुछ अच्छे में, कुछ बेटर में। तो खुद को जानिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिटेशन का, टू नो योर सेल्फ, टू डिस्कवर योर सेल्फ, कि मैं कौन हूँ। जैसे ही आपको पता चलेगा नहीं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आप इस पूरी रेस से बाहर हो जाओगे। कि एक रेस लगी हुई है ना कि सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, सब लोगों ने पूरे करियर को 3 से 4 उसमें डिवाइड कर दिया है, 3 से 4 जॉब्स होती हैं और उसी में आपको सीमित कर दिया गया है कि आप ये करो, उसके आगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर ऐसी भी चीज़ें हैं, अगर आप जो पसंद है आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, आपको जो पसंद है जब आप करते हैं, आपको जो एक्साइट करती है वो चीज़ आप जब करते हो, तो ऐसे आप ऐसे ऐसे करियर बना सकते हो जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। पर हम डिसीजन ही नहीं उठाते हैं, हम सोचते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे होगा? अगर आप जो चीज़ प्रेजेंट मोमेंट में करोगे तभी आपको उसका उसमें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। सिर्फ सोच लेने से आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखेंगी। आप सोचने बैठोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, और करने बैठोगे तो सोच नहीं पाओगे। जब इंसान काम करता है तो उसका सोचने का टाइम ही नहीं रहता है। तो मेडिटेशन जो है, या आपके अंदर का जो ट्रू पोटेंशियल है, आपके अंदर जो आपको चीज़ एक्साइट करती है उससे मिलाती है, फिर आप पूरी भीड़ से अलग हो जाते हो, फिर आप वही करते हो जो आपको पसंद है, और उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ आप होते हो, और आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यूनिक हो, पूरे यूनिवर्स में आपके जैसा कोई नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यू आर यूनिक एंड यू आर यूनिकनेस इज योर गिफ्ट टू द वर्ल्ड। ये चीज़ समझिए, यूनिकनेस से दूर मत भागिए, यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए। तो मेडिटेशन कीजिए, रोज कीजिए, खुद को जानिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।